ये मेरा पर्सनल असाइनमेंट है। मेरे कहने का मतलब है इंडिया के कौन से इलाके में हुआ था? नाटी, इलाके तो कुत्तों के होते हैं, इज्जतदार लोग घरों और अस्पतालों में पैदा होते हैं। समझी? This is 21st century. अरे हिंदी में बोलो, क्या टिटर पिटर कर रही हो? अरे हिंदी में बोलो। मैंने कहा ये तुम्हें किसने बताया? ये देखो न्यूज़पेपर, your photo. See. This is not your insult. You have all the facilities at your home, but still you are illiterate. अरे इसको स्कूल में किसने भेज दिया? ससुर का नाती पता नहीं कहाँ से चीनी भाषा सीख के आ गई भाई। अकल का अंधा लगता है, इसकी दूसरी डाल भी तोड़नी पड़ेगी। हाँ मेडिसिन मेडिसिन, अरे दवाई दो। अच्छा दवाई। अरे ये क्या पिला दिया? अरे खांसी की दवाई पिलाई है विद्या, अब तुम ठीक हो जा विद्या। That would happen to mom, why she's so critical? अरे तुम भी चीनी, अबे हिंदी में बोलो। अरे बाऊची माँ को क्या हुआ? अरे नहीं, इसको मैंने खांसी की दवाई पिलाई थी, तब से ये बेहोश पड़। No, 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 this is खांसी, पिलाएं, बिल्कुल ठीक। अरे बाऊची काश आप पढ़े लिखे होते, ये खांसी की दवाई नहीं चूहे मारने की दवाई है। क्या? ये चूहे मारने वाली दवाई थी? क्यों मजाक कर रहे हो डाकिया बाबू? मुझे मुझे नहीं पता, आप अपनी करिए। वो मुझे नहीं पता। मेरा बेटा बाबू शहीद हो गया। तो अपने बेटे की चिट्ठी पढ़वाते, सेना मुख्यालय से आई हुई सेना की चिट्ठी जिसमें कि ये लिखा हुआ था कि इनका बेटा शहीद हो चुका है, उसे पढ़वाने के लिए भी इन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। क्या यही है हमारे देश का विकास? हम चाहते हैं कि आप इस नुक्कड़ से बहुत कुछ सीखें, और जो जो लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं वो कृपया जाकर पढ़ाई करें और हमारे देश को आगे बढ़ाएं। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव रहा है और इनके बच्चों ने बढ़ चढ़ कर इसमें अपना आगे अपना दिया है, इनपुट्स दिए हैं। और मैं ये भी चाहूँगी कि ये सिर्फ वन टाइम ना रहे, और हमारे क्योंकि हम RDD को केटर करते हैं, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को करते हैं, एजुकेशन अज्ञानता हमारी सबसे बड़ा हमारे लिए इस टाइम पे विक्टिम हम बन रहे हैं, इसी वजह से जो भी स्कीम्स हैं हम पहुँच नहीं पा रहे हैं। सो मैं चाहूँगी इनसे हमारी गुजारिश रहेगी कि ये हमारे साथ मिलकर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इनिशिएटिव को आगे बढ़ाएं। अनदर स्कूल भी साथ में? जी जी हाँ बिल्कुल, हम गवर्नमेंट स्कूल्स को भी साथ में लेना चाहेंगे, क्योंकि जब भी हम RDD की स्कीम्स को लेके जाते हैं अपने जनरल ग्रास रूट लेवल पर, तब हमने यही देखा है कि हम नुक्कड़ नाटक तो कर रहे हैं वो RDD की स्कीम्स के तहत है, बट स्टिल जो है लेडीज़ जो फीमेल जिस चीज़ का इन्होंने जिन पॉइंट्स को इन्होंने उठाया है रेज़ किया है, उन पॉइंट्स को भी हम उसके ऊपर भी वर्कआउट करना चाहेंगे, ताकि हमारी स्कीम्स एजुकेशन की जो भी है डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी है वो इनिशिएटिव्स ग्रास रूट लेवल पर पहुंच सके। थैंक यू सो मच। आपका नाम? मेरा नाम राधिका चौधरी है। जो आज आपने अवेयरनेस किया लोगों को, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? एज हमने एजुकेशन पे सब कुछ किया है हमारे इंडिया के लिए, हमने देखा है हमारे इंडिया में लोग इतने एजुकेटेड नहीं हैं जितना होना चाहिए। अगर हमारे ही इंडिया के लोगों को बाहर वाली कंट्रियों को फेस करना पड़े वो बिल्कुल ज़ीरो है, वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि एजुकेशन ही नहीं है लोगों के पास। और हम इस नाटक से उन लोगों के पास एक आइडिया पहुँचाना चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है और जो लोग एजुकेटेड हैं उनके साथ भी क्या सलूक होता है, तो वो नहीं होना चाहिए। एजुकेशन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, उसमें कोई लोगों को उस पर गर्व होना चाहिए ना कि शर्म आनी चाहिए कि मेरी पत्नी की फ़ोटो, जैसे हमने दिखाया उसमें एक सीन कि एक पत्नी का फ़ोटो आया है और पति अनपढ़ होते हुए उसको इतना कुछ बोल रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। उसको तो गर्व होना चाहिए उस चीज़ पे, लेकिन नहीं, वो तो उस वही बेइज्जत करने पे तुला हुआ है, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। एजुकेशन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो लोगों को समझना चाहिए, और ये लोकल एरिया लोगों को आइडिया पहुँचाने के लिए सबसे बेटर प्लेस हमें ये लगी।